हूं निशा और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेबी रिलेटेड वीडियो लाई हूं. तो फ्रेंड्स देखिए एज ए पेरेंट्स हम हमारे बच्चों को एवरीथिंग बेस्ट देना चाहते हैं. बट हमें भी नहीं पता होता है कि बच्चों के लिए कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए या फिर कौन सा नहीं तो हम ना धीरे धीरे रिसर्च करते हैं धीरे धीरे हमें पता चलता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में उन चीज़ों के बारे में और फिर हम लोग टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद ही अपने बच्चों को देते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो आई थिंक हर पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है टॉपिक ये है कि बच्चों के लिए बेबी पाउडर यूज़ करना सही है या फिर गलत और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या मैं यूज करती हूं या फिर नहीं और अगर यूज करती भी हूं तो कैसे यूज करती हूँ तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या हमें बेबी पाउडर यूज करना चाहिए तो आंसर इज बिग नो यस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बेबी पाउडर का रिव्यू वीडियो डाल रही हूँ एंड फिर भी बोल रही हूँ कि बेबी पाउडर यूज नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं बेबी पाउडर यूज़ करने से उनके कई सारे रीजन्स है बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि पाउडर यूज़ करने से ना बच्चों में कभी कभी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं ख़ास करके जो प्री मेच्योर बेबीज़ है या फिर जिन बच्चों में हार्ट डिजीज़ है उन बच्चों के लिए पाउडर यूज़ करना हार्मफुल है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने सारे बच्चों में रेस्पिरेटरी इश्यूज है वो सारे पाउडर लगाने की वजह से ही हुआ है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है एक्चुअली न्यूबॉर्न के लिए पाउडर यूज करना इसलिए हार्मफुल है क्योंकि हम लोग ही गलत तरीके से ना पाउडर अप्लाई करते हैं हम लोग ना ऐसे डायरेक्टली बच्चों के स्किन के ऊपर पाउडर देते हैं या फिर पफ यूज़ करके लगाते हैं इस वजह से ना जो पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और क्या होता है बच्चे जब सांस लेते हैं ना, तो उस टाइम पे छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स बच्चों के अंदर चला जाता है नोज के थ्रू एंड फाइनली लंग तक पहुंच जाता है तो पाउडर लगाने से जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज है ना वो एक्चुअली पाउडर लगाने के तरीके से है तो हमें ना पाउडर लगाने का तरीका बदलना होगा अगर हमें पाउडर लगाना ही है तो अभी बात करते हैं क्या मैं पाउडर यूज करती हूँ मेरी बेटी के लिए अगर करती हूँ तो कौन सा यूज करती हूँ एंड कैसे करती हूँ तो देखिए मैं ना हिमालय बेबी पाउडर यूज करती हूँ मेरी बेटी के लिए जो मेरे लिए बहुत यूजफुल है तो चलिए देखते हैं क्या हिमालय बेबी पाउडर बच्चों के लिए सेफ है तो सबसे पहले देखिए इसमें ना कोई पैराबिन्स नहीं है एंड इस पाउडर में ना कोई सिंथेटिक कलर्स भी नहीं है ये क्लिनिकली टेस्टेड है जेंटल है सेफ है बच्चों के लिए एंड रिसर्च किया हुआ है इसमें है खसखस जो कि स्किन को कूल एंड फ्रेश रखने में हेल्प करता है अभी बात करते हैं इसका प्राइस कैसा है तो देखिए इसका जो एमआरपी है वो है नाइन्टी फाइव रुपीज़ एंड वन हंड्रेड ग्राम का पैक है ये तो अभी बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय एक बहुत ही बड़ा सा ब्रांड है एंड इस ब्रांड के जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं तो हिमालय बेबी पाउडर किसी भी शॉप में आपको मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक डाल दूंगी आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं तो अभी बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह का एक पैक में आता है ये पाउडर एंड इसके ऊपर ना ऐसा राउंड सेपेड कैप रहता है जिसको आप रोटेट करके ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं हालांकि ये कैप सील किया हुआ था बट मैंने उसको ओपन कर दिया है क्योंकि मैं इस पाउडर को ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ बट मैं आपको बता दूं ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है मैं सच में हिमालय बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ एंड बहुत दिनों से कर रही हूँ इसलिए सोच रही हूँ कि इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ एंड बेबी पाउडर कैसे यूज़ करना है वो भी आपको मैं दिखाऊँ तो चलिए देखते हैं पाउडर कैसा है तो अभी आप देख सकते हैं वाइट कलर में है ये पाउडर एंड इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स है इसलिए अच्छे से ब्लेंड हो रहा है स्किन के साथ एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही पसंद है मुझे क्योंकि ये माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है एंड अभी आप देख सकते हैं स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है बट इस तरह से ना बच्चों के स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है मैं आपको बता देती हूँ कैसे बच्चों के स्किन के ऊपर अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ना इस पाउडर को मेरी बेटी के होल बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं करती हूं, स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करती हूं, क्योंकि मैं ना बेंगलोर में रहती हूं और यहां का जो वेदर है ना वो बहुत ही ड्राई है तो इस ड्राई वेदर में ना पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बट फिर भी मैं इस पाउडर को यूज़ करती हूँ जब भी मेरी बेटी को मैं काजल से बिंदी लगाती हूँ ना तो मैं फिंगर टिप में थोड़ा सा पाउडर लेके उस काजल के ऊपर लगा देती हूँ एंड उस पाउडर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ किसी कपड़ा लेके तो मुझे तो मेरी बेटी के बॉडी के ऊपर पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए मैं अवॉइड कर पाती हूँ अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं एंड अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड बट अगर आपको पाउडर लगाना ही है तो पाउडर लगाने के तरीके बदलिए क्योंकि पाउडर लगाने के तरीके से ही प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे पाउडर को अप्लाई करना है तो देखिए सबसे पहले तो इस तरह से डायरेक्टली बच्चों के स्किन के ऊपर पाउडर लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए एंड अगर पाउडर लगाना ही है तो बेबी से बहुत दूर जाके इस तरह से हाथ में पाउडर डाल के रब कर लीजिए हो सके तो दूसरे रूम पे जाइए और इस तरह से पाउडर डाल के हाथ में ऐसे अच्छे से रब कर लीजिए एंड हाथ में ब्लेंड कर लीजिए एंड उसके बाद इस हाथ को लेके जाइए बेबी के पास एंड बेबी के स्किन के ऊपर इस तरह से धीरे धीरे अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ को पाउडर लगाना अवॉइड कीजिए एंड हो सके तो पाउडर लगाने से पहले एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए रेगुलरली तो मैं इस पाउडर को यूज नहीं करती हूँ बट मैं जब भी नेटिव प्लेस जाती हूँ कोलकाता तो वहाँ पे ना मुझे पाउडर लगाने की जरूरत पड़ती है कभी कभी तो मैं इस तरह से ही पाउडर लगाती हूँ तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो so प्लीज दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए एंड उस पर ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए सो फ्रेंड्स स्टे हैप्पी एंड हेल्दी आज के लिए बाय बाय सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो